पापा लहर जी में मेरी बात सुनो। क्यों? सर अजीब सा चक्कर चल गया। चक्कर? कैसा चक्कर? शादी का चक्कर। शादी का चक्कर? जी। किसकी शादी का चक्कर? आपकी और मेरी शादी का चक्कर। मेरी और आपकी शादी का चक्कर? जी। ये चक्कर तो बहुत अच्छा चक्कर है, लेकिन ये चक्कर आपने अकेले कैसे चलाया? जी नहीं तो। तो फिर किसने चलाया? जी मैंने। तो गोया आप मुझसे शादी करना चाहते? जी नहीं। तो ना कीजिए, बात तो आपने शुरू की। शुरू तो मैंने की थी, लेकिन आपने पूरी सुनी कहाँ? मैं ऐसी लड़कियों की बात नहीं सुनता जो मुझे नापसंद करती हूँ। बात पसंद और नापसंद की नहीं है, शादी और हालात की है। किसकी शादी? कैसे हालात? मेरे हालात और किसके? या आपके हालात को शादी का इतना शौक क्यों? शौक की बात नहीं है मिस्टर, मुसीबत आन पड़ी है। छोड़िए जी। अच्छा सुनिए जी, अगर आप शादी को मुसीबत समझती है तो ना कीजिए मुझसे शादी। मेरे अल्लाह, मुझे तो आपकी कुछ मदद चाहिए। तो फिर मैं आपकी मदद करने के लिए आपसे शादी करने को तैयार। अजी करने को छोड़िए, मेरी और आपकी शादी तो हो चुकी है। हो चुकी है? ठीक है, आप कहती हैं तो हो चुकी है। खुदा के लिए किसी को बताइए कि बात दरअसल ये है कि अब तो सब बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसीलिए तो मैं फौरन भाग आई हूँ मियां, अगर उन दोनों में कोई नाराजगी है तो अकेले में दूर हो जाएगी। साहिब भाई उसे देखते ही फौरन वापस लौट गए। अरे मेरी पपियो, मैंने टेलीफोन करते वक्त उसे ये थोड़ा ही बताया था कि उसकी बेगम यहाँ मौजूद है। अब अल्लाह करे उनकी सुना हो जाए। बेगम, ये है सारा किस्सा। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आपने जो झूठ बोला है मैं उसे सच कर दिखाऊंगा। देखिए मियां बीवी की एक्टिंग करने के लिए ये चौंसले बहुत जरूरी है। भाभी, देखा बेगम फितना फसादा। मैं ना कहता था कि जब दोनों मियां बीवी आमने सामने होंगे तो फौरन सुलह हो जाएगी। हाय, शर्माना तो कोई तुमसे सीखे। हाय अल्लाह। बड़ी गोलगप्पी हो तुम। कैसी लगी भाभी? जी कोई ऐसी वैसी नाकाबले बयान, मगर हैरत इस बात की है कि पिछले 4 सालों से तुम्हारी और मेरी दोस्ती चल रही है और आज तक तुमने मुझे यही चक्कर दिया है कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूँ। बस दो सितंबर का हुक्म देखकर मेरा फैसला रेत की दीवार बनकर गिर पड़ा। मेरा हाथ छोड़िए। जिंदगी भर के लिए पकड़ा है, छोड़ूंगा नहीं। पसंद की शादी है तो आप लोगों का झगड़ा किस बात पर? बताओ। वो मैंने कहा था ना कि ये मुझे नौकरी नहीं करने देती। नौकरी नहीं करने देते? बात जो है, इतने अमीर आदमी की बीवी होने के बावजूद आप नौकरी करना चाहती है? बस शौक है इनका, बड़े बड़े अजीब शौक है इनके। शादी का भी इन्हें शौक था। ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे शौक है। मुझे भी यही शौक है। क्यों बेगम? मुझे इस बात की समझ नहीं आती भैया कि आप दोनों अलहदा रहते क्यों रहते? बस भाभी लड़ाई की वजह से अलहदा रहते थे। अब तो सुलह हो गई ना, तो आज आप यहीं रहेंगे और शाम का खाना भी यहीं खाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी, हम आपको जाने ही नहीं देंगे। आपको खाने का भी शौक होना चाहिए। लेकिन दरअसल बात ये है भैया। बिल्कुल नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा नहीं हो सकता तो आप एक मरतबा फिर अलहदगी में मेरी बात सुन लीजिए। हम ही बड़े चले जाते हैं भाभी, चलिए। कहाँ? आइए। क्या क्या कर रही है? मैं रात हॉस्टल से बाहर नहीं रह सकती। ये तो करना पड़ेगा मुलाजमत की खातिर। लेकिन ये हॉस्टल के कानून के खिलाफ है। जब आप मेरी बीवी बनी थी आपको कानून का ख्याल नहीं आता? वो मेरे हालात का तकाजा था। ये उसके हालात का तकाजा है। अगर आप कहती हैं तो मैं लोगों से कह देता हूँ कि आपने हॉस्टल के लोग क्या सोचेंगे। किसी रिश्तेदार की बीमारी का बहाना करके छुट्टी ले लीजिए, दरख्वास्त मैं छोड़ाता हूँ। क्या फैसला हुआ भैया? भाभी मानी या नहीं? कैसे ना मानती भाभी, मेरी बीवी है आखिर। शुक्र है खुदाया। भाभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इन्हें कुछ चीजें चाहिए। चलिए। भैया एक बात की समझ नहीं आती, रिश्ता तुम्हारा मियां बीवी का है, रहते तुम बहन भाइयों जैसे हो और बातें ऐसे करते हो जैसे अभी इश्क चल रहा है। बहन तो वह तेरी। क्यों? अपना मामला यह है कि अभी निकाह हुआ है, रुख्सत नहीं हुई। तो इसमें क्या हुआ, करवा लो। अरे वही तो नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती? अब तुझे सारी बातें बता दूं? देखता जा, सब पता चल जाएगा। और जो कहा मैंने कहा है कर। क्या कर? क्या मुझे डाकिया बना रखा है कमबख्त ने। एक नए दिन ये मुसीबत हॉस्टल तक भी पहुंच जाएगी, फिर मेरी रुसवाई होगी और मैं हॉस्टल से निकाल दी जाऊंगी। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। होगा क्यों नहीं, जो लड़का हमारा पीछा करते करते मरी तक आ पहुंचा है वो किसी दिन हॉस्टल तक भी पहुंच जाएगा, जबकि वो एक बार वहां जा भी चुका है। लेकिन उस दिन तो वो मेरी दरख्वास्त लेकर आया था, अब किसी दिन वो अपनी दरख्वास्त लेकर आ जाएगा।
क्या होगा नाती? आसार वाकई बहुत खराब नजर आ रहे हैं। तुम किसी दिन उसे जाके खुद आराम से समझा दो ना सब कुछ। आराम से कैसे समझाऊं, वो तो मुझ पर असली शोहर बनकर रोक डालता है और तुम असली बीवी बनकर उसके रोड चले आ जाती है। ईमान से अगर मेरा असली शोहर भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे खड़े खड़े तलाक दे दूंगी। जी अंबर, अंबर। यस मैडम। तुम्हारे आज के नोट्स? जी बिल्कुल तैयार है। और कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम नंदीपुर के गांव में जाएंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है 4-5 रोज तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन नंदीपुर जरा इतिहास से जाना, सुना है वहाँ बहुत बड़े डलवान हैं और रास्ते भी बहुत खतरनाक हैं। शादी कर ले। तुम? जी हाँ मैं, और इसलिए कह रहा हूँ कि शादी के बाद बीवी शौहर की जिम्मेदारी बन जाती है और कोई भी शौहर अपनी बीवी को इतने खतरनाक जंगल में कम से कम अकेला नहीं जाने देगा, क्यों भाई आशिक? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, बुजुर्गों ने कहा है और बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि अगर दोस्त की बीवी के साथ उसकी कोई सहेली है तो उसकी हिफाजत करना दोस्त के दोस्त का काम है, ताकि दोस्ती दोस्त के हाथों महफूज रहे। क्यों भाभी की सहेली, क्या ख्याल है आपका? बकवास करती हैं आप। चलिए हम मान लेते हैं, आप माने या ना माने। वैसे मैंने सुना है कि इन रास्तों में बड़े खौफनाक और खूंखार किस्म के शेर होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ तो शेर भी होते हैं। तू कहीं की बातों में आ गई, चल तो सही, शेर को भी निबट लेंगे। मेरा ख्याल है वापस चले चलते हैं। चल, जिधर का बच्चा। बड़ी दलेर लड़की है। कितना नेक दिल है ये शेर, जिसने हमारे दरमियान के सारे फासले कम कर दिए। मगर शेर, घबराइए नहीं, वो आपको मेरे पास देखकर खुद ब खुद भौंकना बंद कर देगा। अच्छा।